रोल ऑफ रिस्पोंडेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज का ये हमारा वीडियो का विषय है कि रिस्पोंडेंट का रोल सुप्रीम कोर्ट में कितना इम्पॉर्टेंट होता है और वो कैसा होता है। दोस्तों, जब आप केस हाईकोर्ट में जीत जाते हैं और अपोजिट पार्टी, भले ही शायद वो गवर्नमेंट हो या कोई प्राइवेट पार्टी हो, जब सुप्रीम कोर्ट में आती है हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, तब सुप्रीम कोर्ट में वो उसका आर्गुमेंट हियरिंग होता है एडमिशन का। काफी बार ऐसा होता है कि अगर ग्राउंड प्रॉपर नहीं है तो वहां पे डिसमिस हो जाता है, तो आपका हाईकोर्ट का रिजल्ट जो आपके फेवर में है वो कायम रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर वो केस एक्सेप्ट हो गया और आपको नोटिस आ गया, तो एज अ रिस्पोंडेंट बोल के आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को उस केस में कुछ दम लगा है, दम लिखा है, कुछ पॉइंट्स मिले हैं, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अगर आप थोड़ा सा भी गाफिल रहेंगे, थोड़ा सा भी निगलेक्ट करेंगे कोई इसी चीज़ को, तो वो केस आपके खिलाफ जा सकता है। इसलिए रिस्पोंडेंट का जब आपको नोटिस आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से, आपको आपका जो भी बोलना है, जो से है, जो आपका एफिडेविट है, काउंटर एफिडेविट है, ये जो भी पेश करना है, उसका एक समय दिया जाता है। उसके अंतर्गत आपको एक अच्छा वकील सुप्रीम कोर्ट में ढूंढना है। सुप्रीम कोर्ट में सभी वकील अच्छे ही हैं, उसमें कोई खराब नहीं है, लेकिन टॉट से, चीटर से बचिए दोस्तों। चीटर लोग कभी कभी सस्ते के चक्कर में पहले कम पैसे बोलेंगे और फिर बाद में बहुत बहुत ज़्यादा पैसे निकालेंगे। इसलिए कोई रिस्पॉन्सिबल अच्छा लॉयर हो कि जो ड्राफ्ट अच्छा करे। मैंने पहले ही बताया सुप्रीम कोर्ट में सभी लॉयर अच्छे हैं, तो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें एक ड्राफ्टिंग में ताकत लगती है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केस एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में वो केस में कुछ दम लगा है, तो फिर उसका पूरा नीचे के कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सब जो ड्राफ्टिंग है, ऑर्डर्स है, ये सबका स्टडी करके, और जो पेटिशनर ने पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल केस में जो मेंशन किए हुए हैं, जो पॉइंट उन्होंने लगाए हुए, सब पॉइंट का स्टडी करके, इसमें काउंटर एफिडेविट बोले तो रिटर्न स्टेटमेंट, जिसको हम ट्रायल कोर्ट में बोलते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में इसको काउंटर एफिडेविट बोलते हैं, ये सब देना पड़ता है। इसमें फिर नीचे की उन्होंने जो पॉइंट बताया है वो पॉइंट कैसे रॉन्ग है और करेक्ट पॉइंट कैसे है, वो एविडेंस के साथ हमको वहाँ पे क्या करना है, पुश करना। इसलिए रिस्पोंडेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सस्ते के चक्कर में कभी कभी उल्टा पलटा हो जाता है, और ये आखिरी कोर्ट, इसके आगे कोई कोर्ट नहीं है, इसलिए बहुत रिस्पॉन्सिबली आपको अच्छे लॉयर के साथ कॉन्टेक्ट करके उसको आपको मिलना है, या फोन पे भी मिल सकता है, क्योंकि अभी सब ऑनलाइन होता है, तो आप पीडीएफ फाइल वगैरह सब उनको भेजिए और उनके साथ बात करिए, जो भी रीजनेबल भी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत महंगा कीजिए, लेकिन बहुत सस्ते के चक्कर में भी ना पड़े, एक रीजनेबल फी जो है, उनकी जो मेहनत लगती है, मैंने बताया बहुत मेहनत करनी पड़ती है रिस्पोंडेंट का जो काउंटर एफिडेविट देने में है, तो वो हिसाब से, तो फिर वो केस आपके हाथ में आ जाएगा, और फिर आप केस, क्योंकि ऑलरेडी हाईकोर्ट से जीते हुए हैं, लेकिन जो भी कुछ पॉइंट्स कभी कभी मिसगाइड करने के हिसाब से वो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए प्रॉपरली उसको जवाब अगर हम दे देते हैं और फिर अगर उसको हम प्रॉपरली आर्गू करते हैं अच्छे लॉयर के थ्रू, अच्छे लॉयर जो है वो है, तो वो देखिए, खाली चीटर से बचिए, इतना ही मुझे बोलना था। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का नोटिस आने के बाद अगर आप जवाब नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, तो आपके खिलाफ एक केस जा सकता है दोस्तों। इसलिए याद रखिए, रिस्पोंडेंट का रोल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फेवर में केस लाने के लिए आपको उसका बहुत सही ढंग से जवाब देना है, आर्गुमेंट प्रॉपर करना है, केस लॉज प्रॉपर देना है। और कुछ आपको वीडियो चाहिए तो मेरे जयप्रकाश सोमानी ये लीगल एग्जिम चैनल के ऊपर और भी अलग अलग वीडियो मिलेंगे। रिट पिटीशन के ऊपर वीडियो मिलेगा, SLP के ऊपर वीडियो मिलेंगे, अच्छे अच्छे अलग अलग वीडियो है। मेरा एक किताब भी है जो सुप्रीम कोर्ट केस लॉज ऑन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है 2016 का, इसके ऊपर एक किताब भी निकला है, अमेजोन पे इधर उधर सब अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इतना ही मुझे गाइड करना था आपको कि सुप्रीम कोर्ट में सभी लॉयर अच्छे हैं, खाली चीटर से बचिए। चीटर वो लॉयर नहीं रहते, टॉट रहते, कभी कभी लॉयर के बेस में भी भटकते रहते उधर उधर,
और आपको सस्ते के चक्कर में पहले खींचते हैं और फिर बहुत ज्यादा पैसा ले लेते हैं, और आप उनका आई कार्ड देखते नहीं, कुछ नहीं देखते, इसलिए आपको मालूम नहीं वो लॉयर है या नहीं है। ये सब चीजों थोड़ा सा बचना है। अभी ऑनलाइन का जमाना है, जितना भी ऑनलाइन भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल भेज सकते हैं, पीडीएफ फाइल ही अभी ऑनलाइन फाइलिंग में होता है, ऑनलाइन हियरिंग भी हो रहा है, अभी पैंडेमिक चल रहा है, तब तक पैंडेमिक के बाद शायद ऑनलाइन हियरिंग पार्टली रहेगा पार्टली नहीं रहेगा, वो तो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ले लेगा, हाई कोर्ट ले लेगा। दोस्तों बस मुझे इतना ही बोलना था आज का, कि रोल ऑफ रिस्पोंडेंट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये आज का हमारा विषय थे। अगले किसी विषय में हम आगे वापस आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।